हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है रुद्र त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BFSC कोर्स के बारे में। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली नवंबर में तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, उसके बाद थोड़ी सी ट्रैवलिंग हो गई, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने के लिए। और जो वीडियो क्रिएटिंग है उसके अलावा एडिटिंग है वो सारी मैं ही करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम इशू चल रहा है। खैर, अभी अपन प्रॉपर रहने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स का भी रिप्लाई दे। एक्चुअली काफ़ी कमेंट्स मैं देख नहीं पाया था, तो ऐसे में अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, आपको लिंक बायो में मिल जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारी डिटेल में ये वीडियो जाने वाली है। इसमें हम बात करने वाले हैं BFSC कोर्स के बारे में, उसके बाद से इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होने वाली है, इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं, सिलेबस कौन कौन सी है, कितनी फ़ी लग सकती है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है, करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, एवरेज सैलरी क्या मिल सकती है आपकी, इन सारे टॉपिक्स पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या लगने वाला वैसे भी। तो खैर बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। BFSC एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि 8 सेमेस्टर में बटा हुआ है। स्पेशली इसमें फिश के कंजर्वेशन, प्रोसेसिंग, कैचिंग, मार्केटिंग और ब्रीडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। ये 4 साल की डिग्री प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर हैं। इसके अलावा इन सारी चीज़ों के अलावा इसमें फिश के स्पीसीज, ब्रीडिंग, लाइफ साइकिल, यानी कि मोटा मोटी इसमें फिश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ाई जाती है BFSC में। ये जो कोर्स है आप UG के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी BFSC भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस के थ्रू भी कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इसको कॉरेस्पॉन्डेंस से भी कर सकते हो, या इसके अलावा इसको आप पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम भी आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। तो स्पेशली जो पार्ट टाइम ट्रेनिंग होती है वो 7 दिन की होती है, उसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता, मछली पालन के बारे में बताया जाता है और थोड़ी बहुत उनको बेचने के बारे में, मार्केटिंग के बारे में बताई जाती है। खैर ये तो हो गई BFSC के बारे में, स्पेशली BFSC जो होता है 4 साल का होता है, ठीक है। ये जितने भी इसके अलावा जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है उससे आपको सर्टिफिकेट मिलती है जो स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है। खैर इसके अलावा बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टाइम ड्यूरेशन के बारे में। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल भी है, इसके अलावा थ्योरी भी है, इसके अलावा आपको कुछ वर्क होंगे जो कि फिशरी रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो भी हैं। ये सारी चीज़ें आपको 4 साल में कंप्लीट करनी होती है, पर सेमेस्टर पर ईयर। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपका 12th जो है वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, फिजिक्स, बायो या एग्रीकल्चर, इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आपने 12th किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। स्पेशली इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो अगर आपका साइंस ग्रुप से अगर आपका 12th रहा है तो आप इस सब्जेक्ट के लिए, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। अगर एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बता के चलता हूँ, जैसे कि ICAR, BCECE, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, UP CATET, UP कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, इसके अलावा KCET है, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंट्रेंस टेस्ट है, इसके अलावा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये टेस्टेस हैं। इसके अलावा भी कई सारे टेस्टेस हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। इन सारे एंट्रेंस के अलावा भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी कई सारे स्टेट अपने एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजेस में। अभी बात करते हैं अपन एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन आपके पहले तो एंट्रेंस बेसिस पे होते हैं, दूसरा मेरिट बेसिस पे भी कहीं कहीं एडमिशन होते हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में आपके एडमिशन्स हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो कि आपके मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं, तो उसका आपको फाइंड आउट करना होगा। मैं इसके बारे में आपको नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, अगर जो भी कॉलेजेस हैं आने वाले टाइम में जैसे ही मुझे मिलती है मैं आपको पिन कर दूंगा गवर्नमेंट कॉलेजेस। खैर इसके बाद बात करते हैं कोर्स फी के बारे में। स्पेशली जो आपकी कोर्स फी है वो आपके इस इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, अराउंड 50 to 2 lakhs के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 50,000 to 2 lakhs के अंदर आपकी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा तो नहीं लगता इसमें, बट हाँ अगर आप ट्राई करना चाहो तो गवर्नमेंट के थ्रू जा सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू, क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिकल की मिल जाती है सुविधाएँ। यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की बात करें तो गोविंद बल्लम पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पंतनगर, इसके अलावा अन्नामलई यूनिवर्सिटी जो कि चिदम्बरम में है, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि समस्तीपुर में है, इसके अलावा जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ में जो है, और एक है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज साइंस जो कि कोलकाता में है। इसके अलावा भी कई सारे कॉलेजेस हैं, मैं तो सिर्फ एक
एग्जाम्पल के तौर पे आपको इन सारे कॉलेजेस के बारे में बताऊँ, इसके अलावा भी कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो, राइट। इसके बाद बात करते हैं अब अपन सिलेबस के बारे में कि आपको पढ़ना क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ और इससे रिलेटेड मैं एक पोस्ट डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, अगर आप चाहो तो उसको जाके विजिट कर सकते हो, आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपको वहाँ से भी क्लिक करके आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। शॉर्ट में बोलूँ तो फिशरी इकोनॉमिक्स, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, बायोलॉजी ऑफ फिनफिश, फूड केमिस्ट्री एंड फिश इन न्यूट्रिशन, फिश टेक्नोलॉजी और मरीन बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है इस BFSC कोर्स में, राइट। अभी बात करते हैं अपन एवरेज सैलरी के ऊपर, राइट। सैलरी भाई इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो उसके बारे में बात करते हुए चलते हैं, तो अराउंड 3-4 लाख आपको पर एनम मिलते हैं। इसके बाद से आपकी जो है एक्सपीरियंस होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कई सारे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको अराउंड 3-4 लाख पर एनम आपको इसके लिए मिलती है। इसके साथ साथ आपकी जो सैलरी है वो आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, एक्चुअल में आपके वर्क के अकॉर्डिंग, आपको एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग, कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती जाती हैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो मोटा मोटी ये कोर्स आने वाले टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, राइट। BFSC कंप्लीट होने के बाद से आप आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए MFSC भी कर सकते हो, मास्टर ऑफ फिशरी साइंस, या इसके अलावा आप अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपकी, वो स्पेशली आपको बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट और रिसर्चर असिस्टेंट्स के रूप में आपको मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सारे जॉब्स ऑफर किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ओर से, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप स्टेट फूड डिपार्टमेंट्स में भी जॉब कर सकते हो, राइट। और इसकी जो स्पेशली जो सैलरी होती है, वही जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था 3-4 लाख के अकॉर्डिंग एनम पर एनम होती है, राइट। अच्छा, आपको जो होता है ना इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से, यानी कि BFSC कंप्लीट करने के बाद से आप स्पेशली फिशरी प्रोफेशनल हो जाते हो, राइट। जिसको मतलब अराउंड ब्रीड की नॉलेज होना, इसमें जो जितने भी सिलेबस में जिसमें आपको ब्रीड की नॉलेज हो जाती है, इसके अलावा आप डिफरेंट स्पीसीज को कैसे मतलब तैयार किया जा सकता है इसके बारे में आप समझ जाते हो, मार्केटिंग के बारे में समझ जाते हो, मैनेज करना समझ जाते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल सकती है, राइट। कुछ जॉब की लिस्ट है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं, लाइक फार्म मैनेजर, एक्वाकल्चर, मरीन साइंटिस्ट, एज अ फिश ब्रीडर या ट्रेडर के रूप में आप जा सकते हो। ट्रेडर वही बिजनेस टाइप में हो गया, व्यापार कर सकते हो आप, या उसके अलावा फीड मिल मैनेजर के रूप में आप जा सकते हो, या उसके अलावा आप फिश एक्सपोर्ट इंस्पेक्टर के रूप में, या मरीन बायोलॉजिस्ट, इसके अलावा फिशरी टेक्निकल ऑफिसर के रूप में, या प्रोसेसिंग मैनेजर के रूप में आप जॉब कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के अलावा आपको एक और प्रोफेशन है, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में आप इसमें जॉब कर सकते हो। प्राइवेट कुछ ऐसी जॉब है जो आप प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हो, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको वो चीज़ें मिल जाती है, राइट। तो मोटा मोटी अगर देख के चले कि अगर आप डिसाइड कर रहे हो अभी के टाइम में BFSC करना, देन यू कैन गो विद दैट, राइट। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट अभी के टाइम में ना उन सारी चीज़ों के ऊपर लोगों का ध्यान जाता नहीं है, राइट। तो कई सारी पोस्टेड, जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में एक्चुअल में एक ही कॉलेज है जो कराता है, वो मुजफ्फरपुर साइड में समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के बीच में वो पढ़ता है। तो ऐसे में आप इस कोर्स के लिए आप जा सकते हो अगर जाना चाहो तो, लेकिन ये भी वो भी बात है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो किसी के सजेशन में या मेरे सजेशन के थ्रू आप न चले जाओ, या कोई किसी के दबाव में नहीं चले जाओगे, फिर तो वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, राइट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, या आप डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और हाँ, अगर आपने कोई क्वेरी डाली थी और उसके मैंने आपको आंसर नहीं करा है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज का क्या होता है ना, कभी कभी कितनी इतनी ज़्यादा मतलब कमेंट्स आ जाते हैं कि मैनेज नहीं हो पाता मेरे से। एक्चुअली मैं खोलता हूँ, बट जो सामने आता है उसकी तो रिप्लाई दे देता हूँ, बट कई ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, तो वो बाद में फिर दिक्कत करते हैं। तो देखेंगे जितनी भी सामने चीज़ें आएंगी, मैं एक्चुअली में जितने भी लोगों की कमेंट्स अभी तक बाकी हैं मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे। Thank you.